बालू माफियाओं का कारोबार अवैध रूप से लगातार जारी। हाजिरों में शेख मजाहिद हुसैन आबादी आरबीसी चैनल के माध्यम से। सासाराम टोल प्लाजा पर इन दिनों बालू माफियाओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। गौरतलब है कि बालू माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए रोहतास पुलिस लाख दावा कर ले, लेकिन बालू माफिया अपने कारोबार को बचाने की तरकीब निकाल ही लेते हैं। इसी कड़ी में टोल प्लाजा के समीप खेतों के सहारे अवैध तरीके से बालू थड़ल्ले से पार करते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इन वीडियो में किस तरह से ट्रैक्टर के द्वारा अवैध बालू ढुलाई का कार्य किया जा रहा है। ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर कई सारे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। वहीं प्रतिदिन राजस्व का भी चूना लगता दिख रहा है और आए दिन कई गाड़ियां पार करके खेतों से गुजरकर टोल टैक्स बचत करते नजर आ रहे हैं। कई स्थानीय लोगों का कहना है कि बावजूद पुलिस हाथ पर हाथ थरे बैठी हुई है, खास तौर से टोल प्लाजा पर पुलिस की दिन रात की गश्ती होने के बावजूद भी इस तरह का कार्य धड़ल्ले से किया जा रहा है। बने रहिए संतोष कुमार दुबे की रिपोर्ट के साथ आरबीसी चैनल पर। हम कराते रहेंगे आपको हर हकीकत से रूबरू।